कल की ही बात है, मैंने अपनी एक फ्रेंड को सजेस्ट किया जिनके दांत थोड़े ऊंचे व बाहर हैं कि आपको एक अच्छे ऑर्थोडॉन्टिस्ट से मिलना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी क्यूरियोसिटी से मेरी तरफ देखा और बोला, अरे तो अभी तक तो मैं सिर्फ डेंटिस्ट के बारे में जानती थी, ये ऑर्थोडॉन्टिस्ट क्या है? तभी मैंने रियलाइज़ किया कि इन डेंटल स्पेशलिस्ट के बारे में स्पेसिफिकली हम उनके नाम के बारे में नहीं जानते। अगर आप सोचिए आपके दांतों में या आपके माउथ में किसी तरह का प्रॉब्लम है और आप उन डेंटल स्पेशलिस्ट से उनका नाम लेकर स्पेसिफिक नाम बोलकर अपॉइंटमेंट्स लेते हैं तो आपका इलाज सही होना बिल्कुल एंड बिल्कुल पक्का है, बिकॉज ऑब्वियसली दोज डेंटिस्ट विल बी इम्प्रेस्ड। सो लेट अस टूडे डिस्कस द वर्ड्स विच इज रिलेटेड टू डेंटल स्पेशलिस्ट एंड डेंटिस्ट टू। यस, हंसते मुस्कुराते दांतों के लिए हमें अपने डेंटिस्ट से रेगुलरली मिलते रहना चाहिए, आपने ऐसा सुना होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये डेंटिस्ट वर्ड, जो कि डोंटॉस रूट से क्रिएटेड है। इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रूट डोंटॉस व्हिच मींस टूथ, एंड टूथ इज अ सिंगुलर वर्ड, ओके, एंड टीथ ऑब्वियसली यू नो वेल दैट इट इज अ प्लूरल वर्ड। नेक्स्ट इज आईएसटी, आईएसटी यू नो दैट इट मींस स्पेशलिस्ट। द डॉक्टर्स who are specialist in teeth ailments are called as dentist, and dentist बनने के लिए हमें degrees की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे basic degrees हमारा क्या है, that is BDS, that is Bachelor of Dental Studies। then आता है हमारा DDM, it means Doctor of Dental Medicine, and the next one is called DDS, it means Doctor of Dental Surgery। चलिए डेंटिस्ट जो कि अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज में स्पेशलाइजेशन रखते हैं उनको हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारा स्पेशलिस्ट अगला क्या है। चलिए ऐसा मान लेते हैं कि मेरे दांत थोड़े ऊंचे हैं और बाहर हैं, तो मुझे किन से मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए ऑर्थोडेंटिस्ट से। ऑर्थो वर्ड जिसका मीनिंग होता है करेक्ट करना या स्ट्रेट करना, ठीक है, करेक्ट करना या स्ट्रेट करना। एंड डेंटिस्ट यू नो दैट डेंटल एक्सपर्ट्स और द डेंटल डॉक्टर्स। तो आपके दांतों को जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं उनको ब्रेसेस लगाकर वायर्स को यूज करके हम अगर पीछे की तरफ खींचते हैं, हम मींस डॉक्टर्स अगर पीछे की तरफ खींचते हैं सो दैट इट कैन बी इन अ प्रॉपर लाइन एंड मोतियों जैसे चमकते दांत दिखे और आपकी मुस्कुराहट में एकदम चार चांद लग जाए, तो इस सिचुएशन के लिए आपको एक अच्छे ऑर्थोडॉन्टिस्ट से मिलना चाहिए। जैसे बड़ों के दांतों में प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे छोटे बच्चों के भी दांतों में प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो हमें स्पेसिफिकली पीडोडोंटिस्ट के पास जाना चाहिए। पीडोडोंटिस्ट आर द डॉक्टर्स हु हैज स्पेशलाइजेशन इन चिल्ड्रंस टीथ। पीडोडोंटिस्ट वर्ड पेडोस, पेडोस मैंने अपने लास्ट सेशंस में डिस्कस किया है, पेडोस का मीनिंग होता है चिल्ड्रन, ठीक है। तो आपने पेडियाट्रिशियन वर्ड आप याद कीजिए, पेडियाट्रिशियन वर्ड्स हमने यूज किया था, पेडियाट्रिक्स वर्ड यूज किया था। पेडियाट्रिशियन का मतलब जो बच्चों के नॉर्मल एलिमेंट्स को ट्रीट करते हैं दोज आर कॉल्ड पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, उस सेक्शन को, उस स्पेशलाइजेशन को हम पेडियाट्रिक्स बोलते हैं, उस सेक्शन को हम लोग पेडियाट्रिक्स बोलते हैं जो बच्चों को ट्रीट करते हैं। सो सिमिलरली इसी पेडोस को हमने यहाँ पर यूज करके पीडोडोंटिस्ट क्रिएट किया है। पीडोडोंटिस्ट आर नन बट आर द doctors who specialization in children's teeth. If we have any kind of problem in our gums, let us meet to the another specialist, that is periodontist. The common problem or the common disease of gum is called as pyria, okay. So periodontists are the doctors who takes care of our gums. So peri word means surround or around, okay. So anything or everything which is surrounding our teeth is nothing but the gum. So let us discuss some more word with the word peri, okay, that is prefix peri. That is first is periphera. Periphera ka matlab hota hai carry or around. We normally say na that let us discuss the matter in the periphera of the last one. Last jo humne discussion kiya tha उसके इर्द गिर्द हम आगे की बात करते हैं। द अनदर वर्ड, कॉमन वर्ड इज पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, द टोटल एरिया ऑफ एनी फिगर। देन नेक्स्ट कम्स योर पेरीफ्रेज। पेरीफ्रेज का मतलब होता है स्पीक ऑन
टॉक अबाउट अराउंड, मतलब अनदर वर्ड फॉर पेरिफेरा इज सरकम लोक्यूशन. सरकम लोक्यूशन मतलब एक ही बात को जब हम गोल 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 घुमाकर बोलते हैं, अराउंड एंड अराउंड जब हम बात करते हैं, देन बिकम सरकम लोक्यूशन. सो पेरियोडोंटिस्ट आर द डॉक्टर्स हु ट्रीट्स डिजीजेज रिलेटेड टू आर गम्स, एंड पेरिफेरा, पेरीमीटर, पेरीफ्रेज, एंड आई जस्ट रिमेंबर द फ्लावर नेम पेरीविंकल, जिसको हम सदा सुहागा बोलते हैं, पूरे पेड़ को चारों तरफ से ढक लेता है, एंड दैट्स वाई आई थिंक इट इज कॉल्ड एज पेरीविंकल. कई बार हमारे दांतों में बहुत तेज दर्द होता है, और हम जब अपने डेंटिस्ट से मिलते हैं तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको रूट कैनलिंग, सुना होगा आपने, रूट कैनलिंग की जरूरत पड़ेगी. रूट कैनलिंग का मतलब क्या होता है? हमारे दांतों के इंटरनल कुछ टिश्यूज होते हैं, उनको हम पूरी तरह से डेड कर देते हैं. ठीक है, तो इस तरह के रूट कैनलिंग मतलब जो हमारे पल्प, टीथ के पल्प से रिलेटेड अगर कुछ डिजीज है या प्रॉब्लम है, तो हमें किन से मिलना चाहिए? एंडोडेंटिस्ट. आप देख रहे इंटरनल ये जो टिश्यूज है, ये जो छोटे छोटे हमारे पॉइंट्स हैं, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी शुड मीट एन एंडोडोंटिस्ट. ठीक है, सॉरी, एंडोडेंटिस्ट. एंडोन दैट इज वर्ड इज एंड या एंडोन. ओके, एंड और एंडोन का मतलब क्या होता है? इनर, इनर. ओके, सो इनर प्रॉब्लम ऑफ अ टीथ, इनसाइड समथिंग अबाउट द टीथ इज कॉल्ड, वी शुड मीट एंडोडोंटिस्ट. अनदर वर्ड्स लेट अस टेक, दैट इज कॉल्ड एंडोस. एंडोस आप कॉमनली यूज करते हैं वर्ड. एंडोस का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को इंटरनली प्रमोट करते हैं, इंटरनली हम अगर प्रमोट करते हैं, देन वी आर एंडोसिंग. जैसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स को बहुत सारे एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस प्रमोट करते हैं, जैसे फेयर एंड लवली, मैन फेयर एंड लवली को हमारे शाहरुख खान एंडोस करते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट वर्ड दैट इज कॉल्ड एंडो थर्मिक. एंडोथर्मिक का मतलब थर्मिक, थर्मा रिलेट करता है हीट को. सो समथिंग इंटरनल हीट, इंटरनल हीट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक. द नेक्स्ट वर्ड इज एंडोस्कोप. एंडोस्कोप अगर मैं रिलेट करूं तो ये एक ऐसी मशीन और एक ऐसा टूल होता है जो हमारे हॉलो ऑर्गन्स के अंदर जाकर उसको ट्रीट करता है या उसके पिक्चर्स, एक्सरेज निकालता है, दैट इज एंडोस्कोप. नेक्स्ट वर्ड वी कैन से दैट एंडेमिक. एंडेमिक डिजीज, एंडेमिक डिजीज होता है. एंडेमिक डिजीज का मतलब जो पूरी तरह से इनर, अंदर अंदर तक फैल चुका है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फैल चुका है, दैट इज कॉल्ड एज एंडेमिक डिजीज. कई बार हमारे दांतों की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि एंडोडोंटिस्ट मतलब जो हमारे रूट कैनलिंग कर हमारे टिश्यूज को पूरी तरह से डेड कर देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे दांतों में अगर प्रॉब्लम मेंटेन रहे, अगर हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, दांतों में प्रॉब्लम वैसा का वैसा रहे, तो हमें किनसे मिलना पड़ेगा? दैट इज एक्सोडोंटिस्ट. भैया अब ये कुछ करेंगे नहीं, ये सीधा का सीधा हमारे दांतों को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, जो सबसे पेनफुल लगता है ना. सो एक्सोडोंटिस्ट हमारे वर्ड, रूट वर्ड एक्सो से बना है. एक्सो का मतलब होता है दैट इज एक्सट्रैक्शन, और एक्सट्रैक्शन आप कह लीजिए या आउट करना कह लीजिए. ठीक है, दैट इज आउटर, एक्सोडोंटिस्ट. ओके, सो दीज आर द डॉक्टर्स और द डेंटिस्ट हु आर स्पेशलिस्ट इन टूथ एक्सट्रैक्शन. ओके, फाइन, लेट अस डिस्कस सम मोर वर्ड विद द रूट एक्सो, दैट इज प्रीफिक्स एक्सो, दैट इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब जब हम मतलब किसी भी तरह के एनर्जी को जब हम बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, दैट इज एनर्जी रिलीजिंग आउटसाइड. ठीक है, हीट, मेजरली इट इज हीट एनर्जी रिलीजिंग आउटसाइड. देन नेक्स्ट वर्ड इज एक्सोनरेट. एक्सोनरेट का मीनिंग क्या होता है? अगर आप पर किसी तरह का ब्लेम लगा है और आपको उस ब्लेम से फारिग कर दिया जाए, मीन्स यू आर रिलीव्ड ऑफ दैट ब्लेम और यू आर नॉट फाउंड गिल्टी, इट मीन्स यू आर एक्सोनरेटेड. द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सोगैमी. एक्सोगैमी का मीनिंग क्या होता है? मैरिंग आउटसाइड द क्लैन और ट्राइब. एक्सोगैमी का अपोजिट होगा एंडोगैमी. एंडोगैमी का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली मैरिंग इनसाइड द ट्राइब, एक ही क्लैन, एक ही ट्राइब के अंतर्गत मैरिज, शादी करना, दैट इज एंडोगैमी. और ट्राइब से या क्लैन से बाहर शादी करना, दैट इज एक्सोगैमी. देन नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड एज एक्सोडस. एक्सोडस का मीनिंग द फाइनल सीन, फाइनल सीन और डिपार्चर यू कैन से. सो विद द वर्ड, और आई कैन से विद द
prefix exo, we have used the word exotherming, releasing heat energy outside, that is exonerate, means absorbed of the, I can say sentence or the punishments being given on you, then exogamy and endogamy. The next is last but not least, that is exodus. Exodus means final seat. So I think this is the exodus of the dental discussion, the discussion all about the dentist and the dentistry. With the last word, I have just gathered some informations about the dentist. तो मैं आपके साथ ये बताना चाहूँगी कि जब पहले डेंटिस्ट एज अ प्रोफेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ था तो चाइना एंड ग्रीस में बार्बर्स जो हुआ करते थे वही डेंटल केयर किया करते थे या टूथ से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम में अपने लेवल पे वो उसको सॉल्व किया करते थे. ठीक है, तो नेक्स्ट इज द लूसी हॉब्स टेलर. शी इज द फर्स्ट वुमेन डेंटिस्ट टू अर्न दिस डिग्री ऑफ अ डेंटिस्ट, वुमेन डेंटिस्ट. एंड यू नो दैट द वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th of March एंड इट हैज स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग फ्रॉम the officially celebrate official celebration of this has been started from the year 2013. ye to ho gayi first women dentist. ab thodi baat karte hain ki hamare india mein dentist as a dental doctor kinhone dentist profession ko establish kiya. the first person or a doctor I should say rather that here Dr. Rafiuddin Ahmed, he was honored with Padma Bhushan in 1964 and he became the first dentist of India to be awarded with this title. And of course he is the founding father of IDA. IDA is nothing, it is Indian Dental Association. And yes, in 1920 he has found the first dental college of India in Calcutta. So such a great personality, we should know all about such people who has just promoted things on their level, and obviously it has created a mark in the society. And Dr. Rafiuddin Ahmed has been greatly known for being an inspiring person behind Dentist Association of India. Thank you for watching the session on dentist and dentistry. Before that, that is session number 7 and 8, we have discussed about the words which is related to psychology and the word which is related to dentist. So I just want you to find out if you have any kind of problem with your teeth. Normally hota hai, hum itna sara utpatang cheeze khate hai. So I want you to just comment in the comment box which doctor you are going to meet for your particular problem, so that let us discuss the words then and there. Thank you for watching, and Pool's 10 is coming with another video or with the session number 9 and 10.